हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल समाज में। दोस्तों ये ओप्पो का फोन है। दोस्तों यदि आपका फोन चलते चलते एकाएक अचानक आपका जो है टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। जिसके लिए क्या करना है आपको, अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ करना है, स्विच मतलब रिबूट करना है। किसी भी तरीके से आप अपना जो मोबाइल रिबूट कर लोगे तो हो सकता है आपका हैंग प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो है यहाँ पे जो है पावर बटन और जो है वॉल्यूम, यहाँ पे पावर बटन को हम चलिए थोड़ा देर टाइम तक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होता है या नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो है कुछ टाइम तक अब इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो ये जो है हमारा मोबाइल जो है स्विच ऑफ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आपको कैसे किसी भी तरीके से आपको जो है अपना मोबाइल रिबूट करना है दोस्तों, यदि आपका टच हैंग हो गया है, जो है आपका टच काम नहीं कर रहा है दोस्तों, अचानक आपको जो है टच काम करना बंद कर दिया, तो इसके लिए क्या करना है, जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको जो है जो थोड़ा टाइम तक प्रेस करके रखना है दोस्तों। चलिए थोड़ा टाइम तक इसको प्रेस करके रख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब थोड़ा टाइम तक वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, थोड़े टाइम तक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद हमारा जो है मोबाइल थोड़ा टाइम में मतलब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट हो गया है, यहाँ पे ओप्पो का ऑप्शन लिख के आ गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका टच अचानक मतलब चलते चलते एकाएक आपका टच काम करना बंद कर गया है, आपका टच हैंग हो गया है दोस्तों, तो आपको किसी भी तरीके से आपको अपना मोबाइल जो है एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है दोस्तों। और आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना चाहोगे दोस्तों, जो स्विच ऑफ पे जो आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आपका टच नहीं काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आपका टच हैंग हो गया है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, फोन तो जो है वॉल्यूम जो है अप बटन को और जो है पावर बटन दोनों बटन को आपको प्रेस करके थोड़ा टाइम तक रखना है, लगभग 10 से 15 सेकंड। उसके बाद जब आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा, उसके बाद हम जो है चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमारा फ़ोन जो है टच जो है हमारा काम करने लगा है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो है सभी काम करने लगा है दोस्तों। यहाँ पे टच हमारा हैंग हो गया था, अब हैंग प्रॉब्लम हमारा ठीक हो गया है दोस्तों। तो यदि आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो इस ट्रिक को आप जरूर एक बार इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।